अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक। आज फर्स्ट रोज़े में हम शरबत बना रहे हैं मस्क मिलन का। ये दो मस्क मिलन है जिसको हमने अच्छे से चॉप कर लिया है, काट दिया है अच्छे से साफ़ करके। ये देखिए, ये कस्टर्ड भी हमने रेडी कर लिया है। ये 2 लीटर दूध लिया है। 2 लीटर दूध में अच्छा सा कस्टर्ड पाउडर डाल के, मस्क मिलन का कस्टर्ड पाउडर बाज़ार में मिल रहा है, और शक्कर डाल के इसको अच्छे से हमने तैयार कर लिया है, और दूध को ठंडा भी कर लिया है हमने फ्रिज में। चलिए अभी हम इसको, जो मस्क मिलन काटा है इसको पीस लेते हैं। मस्क मिलन इसमें डालेंगे पहले हम ये मस्क मिलन का जो माला का सिरप मिल रहा है, क्रश मस्क मिलन का क्रश मिल रहा है माला का, ये ला के डालिए। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसे, जितना आप कम ज़्यादा मीठा खाते हैं। बाकी हम ये डाल देंगे चॉप किए हुए हमारे मस्क मिलन, और इसको ग्राइंड कर लेंगे हम। मस्क मिलन और सिरप हमने मस्क मिलन का डाल के इसमें पीस लिए हैं। अभी हम इसको शरबत में डाल देते हैं। चलिए भी मिक्स कर देते हैं इसे। अच्छा सा मस्क मिलन का शरबत हमारा बनके रेडी हो गया है। चलिए अभी हम इसको सर्व कर लेते हैं। मेरा ये ठंडा है तो मैं इसमें आइस नहीं डालूंगी। आप आइस डाल के भी खा सकते हैं, पी सकते हैं शरबत को। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। आप इसे ज़रूर ये रमज़ान में बनाना, और पेट में बहुत ठंडक दिखता है। रोज़े की जो गर्मी हो जाती है पेट में, दिन भर का रोज़ा रखते हैं तो उसमें ये ठंडा ठंडा शरबत बहुत ही अच्छा लगता है। शरबत रेडी हो गया, हमने जग में डाल दिया, इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं, ग्लास में डालते हैं। इसमें छोटे छोटे हमने चंक्स काट के डाले हैं उसके मस्क मिलन के, ये छोटे से चंक्स डाले हैं। आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं पसंद है तो आप ऐसे भी पी सकते हैं, ऐसे भी बहुत खूबसूरत टेस्टी लगता है ये। और इसको डिलीशियस और टेस्टी बनाने के लिए आप इसके अंदर आइसक्रीम डाल सकते हैं, कोई भी आइसक्रीम जो आपको पसंद हो। वनीला डालिए, अगर मस्क मिलन वाली अगर मार्केट में मिलती है तो वो डाल के खाइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी टेस्ट आता है इसका, बच्चे बहुत पसंद करते हैं।